जिंदगी बार एसोसिएशन में आज हिसार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे। बार एसोसिएशन में पहुंचने पर वकीलों ने रणजीत चौटाला का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रणजीत सिंह चौटाला बोले, आज जिंद बार एसोसिएशन में वकीलों का आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। भाजपा ने जो काम करवाए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। हालांकि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रत्याशी ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने ये भी कहा है कि उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज ये लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के बाद मैं आप सब से, जिस दिन गोहाना बड़ौदा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ था उस दिन रूबरू हुआ था, और आज ये गोहाना विधानसभा का पहले दिन का प्रवास है, गुड्डा गांव से शुरुआत की है और ये पांचवी विधानसभा का एक दिन का प्रवास है। चार विधानसभाओं का प्रवास मैंने पहले किया, जींद का, सफेदो का, जुलाना का और राय का, और आज ये पांचवी गोहाना की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार 10 वर्षों से सरकार रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व किया है, उस नेतृत्व करने की जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी ने गारंटी के साथ काम किए हैं, चाहे विकास के काम है चाहे जनता की भलाई के काम है, सबको न्याय देने की बात है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की बात है, उन सब कामों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और इस देश को जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में हो, इस देश में भय भूख और भ्रष्टाचार जड़ मूल से खत्म हो, इस प्रकार की सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चली है। और मैं आज गुड्डा गांव के चौपाल में पहुंचा, कितना जन समर्थन, 36 बिरादरी के भाइयों ने जो मेरा स्वागत भी किया है, उस जोश से उत्साह से लगता है कि सोनीपत लोकसभा में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी के काम की है, नरेंद्र मोदी जी के नाम की। सुरजेवाला का एक बयान आया है मेहमान वाली के ऊपर, कमेंट किया उन्होंने कैथल के अंदर, उस पर क्या कहना है? अभी वो बयान मेरे को मन तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। सर, दो सीटों का जो है चेंजिंग की बात आ रही है, सोनीपत और हिसार की, ये देखो प्रेस की आजादी है और जो मैंने भी वो देखा है, और आप जैसा ही कोई ना कोई भाई उस चैनल को चलाने वाला या यूट्यूब को चलाने वाला, जैसे भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, कोई भी बात अपने घर में बैठ कर कुछ भी सोच करके चला देता है, उसको इस लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है और वो कुछ भी चला देता है, उस बात में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। लेकिन उसका अगर मैं कोई बात कहूंगा तो उसका राजनीतिक रंग देना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इन बातों से बचते हैं। सर, अगर सोनीपत की जनता पर विश्वास करती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी सोनीपत के लिए? सोनीपत का चहुमुखी विकास हो, और सोनीपत जो विकास की दौड़ है पूरे देश की, सोनीपत उसमें अग्रणी रहे, एक नंबर पर रहे, सोनीपत में बड़ी हिस्सेदारी विकास की हो, रोजगार की हो, सबको न्याय देने की हो, स्वच्छ प्रशासन रहे, और सोनीपत लोकसभा एक आदर्श लोकसभा बने, जो देश में मिसाल बने, इस प्रकार की लोकसभा सोनीपत को बनाने का मैं काम करूं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।